लेसन फोर काउंटिंग टेंस। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देर इज अ नीड टू नो अबाउट वंस एंड टेंस कॉन्सेप्ट। सो बिफोर दिस वी विल सी हाउ टू राइट वंस एंड टेंस। नाउ यू हैव टू काउंट दिस। अब आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर लिखना हूँ, आपको उसको काउंट करते जाना है। मैंने यहाँ पर वन लाइन ड्रॉ की है, सो वी विल रीड इट लाइक वन। नाउ अगेन आई एम ड्रॉइंग टू लाइन्स। अब मैंने यहाँ पर दो लाइन्स ड्रॉ की है, हम इसको बोलेंगे टू वन। After this, I will draw three lines. So, we will read it like three ones. Again, I am drawing here four lines. मैंने यहाँ पर four lines draw की है, हम इसको बोलेंगे four ones. नाउ मैंने यहाँ पर फाइव लाइन ड्रॉ की है, हम इसको रीड करेंगे, हम इसको बोलेंगे फाइव वंस। लाइक दिस यू वी कैन कंटिन्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सो ये हो गया हमारा सिक्स वंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन वंस, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री एट वंस, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर नाइन वंस एंड वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये हमारे पास में टोटल लाइन्स यहाँ पर टेन हो जाती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हम इसको वंस रीड नहीं करेंगे, जब हमारे पास में टेन लाइन्स हो जाती हैं दो, तो हम इसको वंस रीड नहीं करेंगे। वी विल रीड इट लाइक वन टेन, हम इसको क्या रीड करेंगे वन टेन, बिकॉज ऑफ मैंने क्या बनाया था, इसका एक बंडल बना दिया इन टेन लाइन्स का। यहाँ पर मैंने इन टेन लाइन्स को ड्रॉ करके इसका बंडल मैंने बना दिया है। सो इफ यू हैव दीज टेन लाइन्स देन वी विल रीड इट लाइक वन टेन। अगर हमारे पास में टेन लाइन्स होती हैं या कोई भी टेन ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसको क्या रीड करेंगे वन टेन। ओके, इफ यू हैव this one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lines, then we will say 1 10. Hum kya bolenge isko, 1 10 bolenge. If you have this 1 10, aapke paas mein 1 10 hai, yani ki 10 lines hai, और अगर मैं यहाँ पर टू लाइन्स को ड्रॉ कर देता हूँ, टू लाइन्स मीन्स हम इसको क्या रीड करेंगे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वी विल रीड इट टू वंस, टू वंस। सो हाउ मेनी टोटल लाइन्स आर हियर, टोटल लाइन्स कितनी रहेगी, वन टेन, वन टेन में हमारे पास कितनी लाइन्स होती है, टेन, टेन प्लस टू, this is 110, this is 21, so total हो जाएगा हमारे पास में 12. If you have 3 ones, how many ones? 3 ones. So in this condition हमारे पास में यहाँ पर
वन टेन है, यहाँ पर थ्री वन्स है, ओके। हम कैसे लिखेंगे इसको, वन थ्री, तो टेन प्लस थ्री टोटल कितना हो जाएगा बेटा, थर्टी। हाउ मेनी लाइन्स आर हियर, टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन, दिस इज थर्टीन। इफ यू हैव फोर लाइन्स सो दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये आपका एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर वंस कितने जाएंगे काउंट करके देखो, वन टू थ्री फोर, फोर वंस, फोर वंस, इट मीन्स आपको यहाँ पर फोर लिखना है। एंड टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, कुल कितनी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई, वन टेन, इट मीन्स टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, सो हमारे पास में यहाँ हो जाएगी 14। इफ यू हैव अनदर सिंगल लाइन देन फाइव वंस। अभी यहाँ पर आप इसको काउंट करके देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये आपका फाइव वंस हो गया। फाइव वंस हुआ इट मीन्स यहाँ पर वंस के नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें हम फाइव लिख देंगे, सो वन फाइव, दिस विल बी 15। लाइक दिस इफ यू हैव वन टू थ्री, इट मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल एट लाइन्स यहाँ पर है। एट लाइन्स होने का मतलब क्या होगा, हमारे पास में वंस कितने हैं, एट वंस, तो यहाँ पर हम वंस के आगे हम लिखेंगे एट, टोटल एट, वन एट एटीन। अगर हम इसको काउंट करते हैं, दिस इज टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, टोटल एटीन। इफ यू हैव टोटल टेन इन दिस लूज लाइन्स, सो यू कैन सी हियर, अगर आपके पास यहाँ पर टोटल टेन हो जाता है तो हम कह सकते हैं एक बंडल हो जाएगा, हम इसका बंडल बना देंगे, टेन हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज अनदर बंडल, दिस इज वन टेन, दिस इज वन टेन। सो यहाँ पर वंस है क्या कुछ, वंस में आपके पास में कुछ भी नहीं है, और टेंस में कितना हो रहा है, टेंस। You can see here how many tens are here? One, two, two tens. Two bundle means two tens. Loose. आपको पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है means zero. यानी two bundles tens क्या होते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, two zero. Two zero means 20. This is 20. Again, if you have two pens and one, two, three, four ones, one, two, two tens, ones यानी कि loose sticks आपके पास कितनी ड्रॉ की हुई है, one, two, three, four. टोटल कितना रहेगा, टू फोर ट्वेंटी फोर। लाइक दिस इफ यू हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इफ यू हैव सेवन वंस मीन्स आप यहां पर वंस के नीचे क्या लिख देंगे, सेवन, और वी हैव टू टेंस एंड सेवन वंस, इट मीन्स टोटल विल बी 27। If you have 1, 2, 3 more sticks, so total sticks will be 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is another bundle. So you can see here, we have 1, 10, 2, 10, 3, 10. So 10s will be 3, but 1s are 0. So this will be 3, 0, 30. Like हमारे पास में कोई भी एक बंडल है जिसमें टेन थिंग्स हैं या टेन स्टिक्स हैं या टेन फ्लावर्स हैं
या फिर टेन चॉक्स हैं, टेन पेंसिल्स हैं, टेन पेन पेंस हैं, तो हम उस ग्रुप को या उस समूह को जिसमें कि हमारे पास में टेन ऑब्जेक्ट हैं, कोई सी भी टेन चीज़ें हैं, हम क्या बोलेंगे? वन टेन। अगर हमारे पास में सेम टू ग्रुप हैं, यानी कि इसमें हमारे पास में टेन पेंसिल हैं, फिर टेन पेंसिल है, उसको मैंने रबड़ से बैंड किया है और उसको मैंने बांध के दो ग्रुप बना दिए हैं टेन टेन पेंसिल के, तो हम क्या बोलेंगे? वन टेन टू टेन, यानी टोटल टू टेन। टू टेन मीन्स 20। वन टेन में हमारे पास में टोटल कितना होता है? वन टेन मीन्स 10 ऑब्जेक्ट्स, कोई सी भी। वन टेन मीन्स कोई सी भी 10 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे पेन हो या रबर हो। आप किसी का भी 10 का ग्रुप बनाइए, हम उसको बोलेंगे 110। अगर हम सेम टू ग्रुप बना लेते तो 210, 310, 410, 510, 510 मीन्स 50, 210 मीन्स 20, 310 मीन्स 30, 410 मीन्स 40, 510 मीन्स 50, 610 मीन्स 60, 710 मीन्स 70, 810 मीन्स 80, 910 मीन्स 90 और 1010 यानी हमारे पास में 100 हो जाता है। सो आपको क्या करना है, आपको पहले इसको अच्छी तरह से देखना है, काउंट करना है कि उस बंडल में, उस ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर वो 10 होते हैं तो हम 10 कितने हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। ओनली 10 है मीन्स 110। अगर 10 10 टू टाइम आ रहा है तो 210 बन जाता है, 3 टाइम आ रहा है तो 310 बन जाता है। और अगर लूज यानी कि अलग अलग हमारे पास में लाइन्स ड्रॉ हैं या फिर हमने पेंसिल्स को अलग अलग रखा हुआ है जो कि 10 से कम है, लेस देन 10 है, तो हम उसको वंस में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करेंगे? वंस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस। थैंक यू।